और देखिए अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। ट्रंप ने कमला हैरिस पर बनाई शुरुआती बढ़त। ट्रंप जीत चुके हैं 248 इलेक्टोरल कॉलेज वोट, कमला हैरिस जीत चुकी हैं 210 इलेक्टोरल कॉलेज वोट। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल की जरूरत है। तो देखिए 270 इलेक्टोरल की जरूरत है, लेकिन अब तक ट्रंप की अगर हम बात करें तो 248 इलेक्टोरल वो वोट जीत चुके हैं और कमला हैरिस 210 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल कर चुकी हैं। कमला हैरिस को फिर भी ज़्यादा वोटों की ज़रूरत है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा वोटों की ज़रूरत नहीं है। 270 में से 248 अब तक ट्रंप के पाले में वोट जा चुके हैं। तो देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं। ट्रंप ने कमला पर बनाई शुरुआती बढ़त। वेस्ट वर्जीनिया में डोनाल्ड ट्रंप को मिली है जीत। इंडियाना और केंटुकी में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। वर्मोंट में कमला हैरिस को मिली है जीत। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप को 52% से ज़्यादा वोट मिले हैं। फ्लोरिडा में कमला हैरिस को 47% से ज़्यादा वोट मिले हैं। ट्रंप 248 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीत चुके हैं। कमला 210 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीत चुकी हैं, जबकि इंडियाना, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, साथ ही टेनेसी के साथ ही कई ऐसे जगह हैं जहां पर लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही हैं कमला हैरिस, लेकिन ट्रंप भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं।